नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां गोहद विधानसभा का चुनाव आम जनता में चुनौतियापूर्ण रहता है। जो भी चुनाव में आता है जनता के बीच बैठकर उनसे बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं, पर कार्य करने में रुचि लेना उनकी फितरत में नहीं देखा जाता। नगर पालिका गोहद की सफाई अभियान के नाम पर लाखों का बजट खुर्द बुर्द कर कागजी कार्यवाही में बारे न्यारे कर रही है और वरिष्ठ अधिकारी जनता प्रतिनिधि मूंद साध कर भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। वार्ड क्रमांक 5 से लेकर 15 वार्ड तक पीने के पानी को लेकर नागरिक बेहद परेशान हैं और नगर पालिका 50 सालों से पानी की किल्लत खत्म नहीं कर पाई। साफ सफाई स्वच्छता का नारा लगाने वाले सफाई अभियान के नाम पर प्रदेश सरकार से मिलने वाला लाखों करोड़ों का बजट हर वर्ष भ्रष्ट अधिकारी राजनेता बंदरबांट करने में लग जाते हैं और आम जनता लूटी पिसी फिर उसी दोहरी जिंदगी जीने में बेबस हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गोहद को पूर्व मंत्री वहीं लाल सिंह आर्य के द्वारा भी विकास की ओर अग्रसर किया गया, लेकिन पानी के संकट से निजात नहीं दिलाई गई। पूर्व विधायक रणवीर जाटव का कार्यकाल रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक होने के कारण सत्ता पक्ष में बदल जाने से काम नहीं किया गया। गोहद की जनता को भरोसा नव प्रत्याशी मेवाराम जाटव पर हुआ। उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं की और आम जन को एक बार विधायक बनाने की बात कर झोली फैलाकर वोट मांगा। हर संभव प्रयास कर पानी की समस्या पर अंकुश लगाएंगे। आज गोहद विधायक मेवाराम जाटव भी आम जनता के बीच उनकी समस्या देखने नहीं पहुंच रहे हैं। नगर पालिका गोहद के मुख्य अधिकारी कागजों में घोड़े दौड़ाकर आम जनता की समस्या पर अंकुश लगाने की बात झूठ बोलकर पल्ला झाड़ रहे हैं और जिले की मॉनिटरिंग करने वाले जिला कलेक्ट्रेट वहीं वीरेंद्र सिंह रावत की जनता के बीच बहुत पहुंचा नहीं पा रही है। ऐसे में सभी छोटों से लेकर बड़े कर्मचारी अपने मनमाने रवैये अपनाने में लगे हुए हैं। प्राइम न्यूज 24 से ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। मेरा नाम नाथू है। नाथू जी, क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं साहब। अच्छा, पानी की पानी को लेके क्या समस्या है आप लोगों के यहाँ? पानी नहाने को आते ना पीने को आती। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो फिर कहाँ से आप नहाते धोते हो? अरे जी, नल दे रहे को एक मांटी में तो दो मांटी में तो प्राइवेट बनता है। प्राइवेट पानी का क्या आपको पैसा देना पड़ता है? पैसा 500 रुपया महीना, 500-400। और अगर आप पैसे नहीं देते तो आपका पानी? पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं। तो सरकारी योजना के तहत जो नल लगे हुए हैं, क्या इनमें पानी नहीं आता? नहीं, नल है ही नहीं। कितने साल से ये समस्या है यहाँ? यहाँ तो कम से कम 20 साल से है। 20 साल का पहले 20 साल से आप बगैर पानी के ऐसे कैसे रह रहे हैं? तो प्राइवेट ले रहे कहना रहे। हाँ, प्राइवेट है, प्राइवेट। अब पानी बोरल में उना ना थी। दूसरा, ये इतना कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कचरा उठाने के लिए क्या गाड़ी नहीं आती नगर पालिका की? क्या नगर पालिका की गाड़ी आओ जाए? आई तो नहीं आई, नहीं आई। कभी कब आती है? कभी कभार तो नल्ले देखो गली में, नल्ले ज्यादा भरो है। पानी की क्या हालत है? जो वो नल्ला भरा हुआ है उससे क्या कुछ लोगों को बीमारियां भी होती है? कोई बीमार हो जाती है? इसकी शिकायत आपने कहीं की है? हम सब पढ़े लिखे हैं। वो थोड़ा बहुत तो काम हो चुका, बाकी काम अभी अधूरा पड़ा है। तो ये जो नल्ले हैं, नलियां ऐसी घर के बाहर हैं जिससे कई बीमारियां फैल सकती हैं, आपने इनकी कभी शिकायतें नहीं की? शिकायत तो की है, पर वो काम हो ही नहीं पाता पूरा। वजह क्या कहते हैं वो लोग? वजह क्या है, वो जब भी कोई अधिकारी आता थोड़ा बहुत इधर उधर कर जाता, बाकी बात चले जाते हैं। सुनवाई पूरी तरह से होती नहीं हम लोग। ये नालियाँ कितने सालों से ऐसे ही नल्ले बने हुए घर के सामने? जाए कम से कम 25 साल का तो हम खड़े हैं, 25 साल से तो हम ऐसे ही देख रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? साहिब। नल्ले का नली बन गई है। हाँ बताइए। मतलब जी पानी चमतो जी गर्म में डंडा डरा फूटो जेव की तरह कासे दई तो जेव नहीं लग लगी हमारी का करना है। और पानी तो यही ना पीवे को चार वासन हाथों को पीवे काल है कहूं इतते बता। आप लोग काम क्या करते हैं? क्या काम है? मजदूरी करते हैं। मजदूर लोग हैं आप? हां, मजदूर लोग हैं। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं, कतई सुनाई नहीं होती। कितने साल से आप यहां रह रहे हैं? 40-50 साल से, 50-60 से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथू है।